हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज की इस वाली वीडियो में हम करने वाले हैं हाउ टू एडिट डार्क टोन फोटो एडिटिंग इन स्नैपसीड। तो इसके लिए चाहिए हमें स्नैपसीड ऐप। स्नैपसीड ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। अब आपको ऐप को ओपन करने के बाद आपको इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके अपने एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं इस फ़ोटो को सिलेक्ट करता हूँ। अब आपको इस पेंसिल के आइकॉन पर क्लिक करके इस ट्यून इमेज के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ क्लिक करने के बाद आपको अपने फ़ोटो की बेसिक एडजस्टमेंट कर लेनी है। तो आप ये एडजस्टमेंट अपने फ़ोटो के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब आपको डन वाले आइकन पर क्लिक करके बैक आना है। अब आपको इस वाले पेंसिल आइकॉन पर क्लिक कर लेना है। अब आपको इस लैंप वाले ऑप्शन विंटैक पर क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ 12 इफेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको 5 नंबर के इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको इसके ब्राइटनेस को -35 रखना है और इसके सर्कुलेशन को -100 रख लेना है और इसके विग्नेट को रखता हूँ 26। अब आपको इस डन वाले आइकन पर क्लिक करके आपको बैक आना है। अब आपको इस वाले एडिट के आइकन पर क्लिक करके व्यू एडिट्स पर क्लिक कर लेना है। अब आपको विंटैक पर क्लिक करके पेंसिल बॉक्स पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको इन्वर्ट पर क्लिक कर लेना है। अब आपको अपने चेहरे को और हाथों को ब्लैक कलर से इरेज कर लेना है। तो मैं कर ले रहा हूँ। अब मैंने इसे पूरी तरीके से परफेक्टली इरेज कर दिया है। अब आपको इस डन वाले आइकन पर क्लिक करके बैक आना है। अब आपको फिर से पेंसिल के आइकन पर क्लिक करके सिलेक्टिव ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको अपने चेहरे पर टैप करके आपको इस सर्कल को कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना है और इसकी ब्राइटनेस को भी बढ़ा लेना है और इसके कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा कम और इसके सर्कुलेशन को भी थोड़ा कम रखना है। अब मैं इस पर लॉन्ग टैप करके इसकी एक कॉपी सिलेक्ट कर लेता हूँ और अपने हाथ पर क्लिक करके इसे पेस्ट। अब मैं अपने हाथ पर यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। ओके डन। अब हमें बैक आना है। बैक आने के बाद ये देखिए अब आपको फिर से पेंसिल के आइकन पर क्लिक करके डबल एक्सपोजर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से अब इस ऐड इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करके मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इमेज दिया हुआ है उसे आप ऐड कर सकते हो। अब आपको स्टाइल्स के ऑप्शन पर क्लिक करके स्टाइल्स को लाइटन पर रख लेना है। अब आपको डन पर क्लिक करके बैक आना है। अब आपको फिर से एडिट वाले आइकॉन पर क्लिक करके व्यू एडिट्स पर जाकर डबल एक्सपोजर। अब आपको इस बॉक्स के आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से इस टेक्स्ट पीएनजी को इरेज कर लेना है। ओके डन। अब आपको बैक आना है। अब आपको इस सेव वाले आइकॉन पर क्लिक करके अपने फोटो को गैलरी में सेव कर लेना है।